गुड मॉर्निंग। इधर तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सो आज अनिर्बन का छुट्टी है, सोच रहे आज कहीं पे जाएंगे। फिलहाल ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। और हमारे पूरे घर में हर एक जगह पे आप जहाँ भी देखोगे चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हैं, क्योंकि 6 लोग हैं और सुखाने का जगह नहीं है। बालकनी में तो कुछ भी नहीं दे सकते हैं, मतलब इतना मॉइस्चर है ना, कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं बालकनी में। हम कितना भी बोले पर ये पौधे को बहुत अच्छा लगता है बारिश। आज 17-18 फ्लावर हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस, बताओ। मुझे ऐसे ना फ्लावर देखना बालकनी में आके बहुत अच्छा लगता है। ग्लाको खेल रही हो? आओ ग्लाको सिंह आओ सिंह जी, बहुत बिजी है। ग्लाको बनेगा आज फिश करी एंड दाल, पालक दाल एंड फिश करी। तो मम्मी फिश करी बनाएंगी और मैं बनाऊंगी पालक की दाल। पालक की पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है मुझे, पर मैंने कभी बनाया नहीं है, मतलब खाया है बाहर। अनिर्बन बहुत ज़्यादा मायूस है क्योंकि इंटीरियर का काम चल रहा है ना, तो वार्डरोब जैसा दुख आया है। अनिर्बन को उससे अच्छा एक्सपेक्टेशन था। एक्चुअली अभी भी वो कवर नहीं हटाया, लाइट नहीं लगाया, बेड सेट नहीं हुआ है। हमारा जो वार्डरोब है ना वो हाइलाइटेड पॉइंट नहीं है, हमारा बेड हाइलाइटेड है। अभी मुझे ना कल तक खाना नहीं बनाना है, मुझे अगर वीकेंड में कोई निमंत्रण इनविटेशन आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कल तो हमारा इनविटेशन है। वेदर अच्छा होता है तो सुबह को कुछ प्लान है, उसके बाद फ्रेंड के घर में जाएंगे। बट रात को, मतलब वेदर तो अच्छा होने का चांसेस बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 1%। बट रात को क्या होगा? दो नहीं, कल रात को। कल रात को इनविटेशन हमारा दोपहर में। कल रात को हम डिश डाल के खा लेंगे। वाह वाह वाह, क्या हमारा तो छुट्टी लगे। नेशनल फिर मुझे कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। मैं तुमसे मिलूंगी नहीं, भाग जाऊंगी। हाँ, तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं फिर जाऊंगी तुम्हारे पास शादी करने के लिए। देखा गया कि नेक्स्ट टाइम में मनुष्य का लड़का हो गया, मैं लड़की हो गई, और उस टाइम लड़का लोग ही खाना बना रहे। यही होता है मनुष्य के साथ। हंस हंस के बोलता है देखो बहुत ना पालंग शक दिए छिला और उस तरह को कड़ाई उठछे पोछी लो पालंग शक। ये रहा मम्मी जी का फिश करी और ये रहा हमारा पांगाश टेंगड़ा बोल के एक फिश मिलता है, वो मम्मी बहुत अच्छी बनाती है। मुझे तो वैसे फिश पसंद नहीं है, मतलब खा लेती हूँ, नहीं तो सब लोग बोलेंगे बंगालियों के फिश नहीं खाते हो। खा लेती हूँ, मतलब उतना अच्छा नहीं लगता मुझे। अंडा और चिकन ही पसंद है, ज़्यादातर मुझे अंडा ही पसंद है और वेज तो मुझे पसंद ही है। बिल्कुल सूखा सूखा राइस खाएगी, देखो अल्लाह दाल नहीं खाएगी। दाल खाओ माँ, दाल खाओ, पालंग शाक भी खाबे ना, दाल खाबे ना अम्मा, दाल खाबे ना। अगर अभी उसको FISH दिखा दूंगी ना तो ये कुछ नहीं खाएगी, ओनली वही खाएगी। नाम सुन के भी वो मतलब समझ सकते हो, तो हम लोग ऐसे बात करते हैं अब स्पेलिंग में, जैसे DOI FISH ऐसे। शुद्ध हाथ खा भी, शुद्ध हाथ क्यों खाए, डाल खा, खाओ डाल खाओ।
खाओ। अगर आपके पास बच्चा है ना तो ये बॉटल आपको पास रहना ही चाहिए। पता है इसको ना, ये एक सीपर है लव लैब का, इसको ना आप एज अ फ्लास्क तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्लोकू को अभी थोड़ा सा ठंड ठंड लगा है तो उसको हल्का सा वार्म वाटर दे रही हूँ मैं, हल्का सा एकदम। तो इसमें ना पूरे टाइम के लिए वार्म ही रहता है वाटर, और पूरा गर्म भी रख सकते हैं, मतलब टेम्परेचर आप जैसे रखोगे वैसे रहेगा, क्योंकि स्टील का है, ऊपर से ये सिलिकॉन का है तो पकड़ने में आपको गर्मी नहीं लगता है। और ये जो सीपर की हेड है ना, ये 3 टाइप में मिलता है, स्ट्रॉ वाला, ये वाला और नॉर्मल निपल वाला। तो इसमें मैंने गर्म पानी लेके जाऊंगी ग्लोकू के लिए। तातरी बोलो, तातरी जल्दी जल्दी ठामी, लेट सबका हो गया है, आ जाओ। ठामी का नहीं हुआ है, पूरे फैमिली सब मिलके अभी जा रहे हैं फर्स्ट ऑनर। मम्मी पापा का जाने का टाइम आ रहा है पास में, तो अनिर्बान का छुट्टी रहते रहते एक बार उनको दिखा के आते हैं कि कितना काम प्रोग्रेस हुआ है, कितना क्या हुआ है। एक्चुअली जब आपका वुड वर्क, लैमिनेशन ये सब चलता होता है ना, पेंटिंग नहीं होता है, ग्लास वर्क नहीं होता है, देख के ना मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, मतलब जो पिक्चर जैसे हम बनाना चाहते हैं वैसे नहीं लगता है। पर सब लोग ही ऐसे बोलते हैं जब डीप क्लीनिंग हो जाता है उसके बाद चीज़ें अच्छा लगता है, लाइट लगता है, फ्लावर रखोगे, बेड सेट होगा, उसके बाद फुल लुक आता है। तो थोड़ा बहुत अभी हम लोग ऐसे सिचुएशन में हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। दादू तो बोलो, तो दादू बोलो, अच्छा तुम ही देखो, है ना, है ना, बोलो दादू, बोलबे ना, हाय बोलबे, हाय 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 बोलबे, चलो ग्लोकू इज सेइंग चलो, जी गॉड ब्लेस। তোর হামু খাও, আরে বাবা এই কতগুলো দাঁতু হয়েছে, এই বেশ চশমা নিয়ে নেবে, আচ্ছা হামু খেয়ে দাও দাদুকে, চলে যাও। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है ना, देख के लग रहा है कि ये बीच में से एक बीट गया है, ये इसके लेवल में रहता तो देख के लगता कि ये सेम लेवल में गया, सेम है, बस वो उसका जो क्या होता है, अभी देखो ना इस साइड से देखो, ये एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा। किचन हमारा ऊपर व्हाइट और नीचे सैंड कलर का था तो रेडी है, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला ना क्रॉकरी यूनिट बनेगा, ये इसमें ग्लास आएगा, ये हमारा वैनिटी है। एक्चुअली ऊपर ऊपर ये सब चिपका हुआ है ना, ये सब ना निकालने से अच्छा नहीं लगेगा। इधर एक बड़ा सा मिरर और बेसिन आएगा, इधर पे हमने एक रैक लगाया है बैठने के लिए, तो मुझे डर लग रहा है कि ग्लोकू कभी चढ़ ना जाए इसके ऊपर, तो इसके लिए हम लोग ना इधर पूरा मस्कीटो नेट से कवर कर देंगे ताकि चढ़ भी जाए तो गिर ना जाए। फाइनली मुझे बैठने का सीट मिल गया इधर, ओ कितना रिलैक्सिंग है, अरे अच्छा है रहा व्यू ना, ऐसे बैल्कनी में मैं बैठ के गुड मॉर्निंग गाइस बोल के ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। पीछे ये बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें खेलते हुए बच्चे आपको नज़र आएंगे, कितना शानदार दिखेगा ना एक महीने बाद मेरा ब्लॉग्स। सो गई है ग्लोकू, एक्चुअली मैक्सिमम 80% टाइम मम्मी के गोदी में बाहर थी, क्योंकि हम नहीं चाहते पॉल्यूशन डस्ट में ग्लोकू रहे। ग्लोकू सिंह सो गई है, और सिंह जी, सिंह जी दुनिया इधर से उधर हो जाए, जब ग्लोकू को नींद आता है तो ग्लोकू सो जाए, कंस्ट्रक्शन साइट में भी सो जाती है, बस डेडिकेशन। ग्लोकू का पैंट थोड़ा सा भीग गया है तो उसके लिए उसका पैंट चेंज कर दिया है। अब उसके डायपर बैग में ना हमेशा कपड़े रहते हैं, पर उसका एक एक्स्ट्रा, एक नहीं दो तीन एक्स्ट्रा रखती हूँ, फुल पैंट हाफ टी शर्ट, फुल टी शर्ट। तो क्या है ना, जो फुल पैंट था ना, अभी देख रही हूँ कि वो 3/4 से भी ऊपर आ गया है, मतलब तो छोटा हो गया है इतना। तो इधर से हम निकल के अभी कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं हम लोग लुलू मॉल। मैं
पहले अनिमन को बोला था कि चलो लुलू मॉल चलते हैं, मम्मी पापा को अच्छा लगेगा, तो फिर अनिमन ने बोला नहीं अच्छा नहीं लगेगा, शॉपिंग मॉल अच्छा नहीं लगेगा, मम्मी पापा को शॉपिंग मॉल पसंद नहीं है। फिर मम्मी जी ने खुद बोला है कि लुलू मॉल जाना है। अगर ऐसे चेंज करेगा तो मुझे क्या मालूम। नहीं लुलू मॉल दिखना चाहिए, आप अगर हैदराबाद आते हो ना तो मैं तो बोलूंगी एक बार लुलू मॉल देख लो। हैदराबाद में हैदराबाद में कुछ कुछ मॉल है जो एक्चुअली देखने लायक है, जैसे एक तो लुलू मॉल है, दूसरा है सरस सिटी कैपिटल मॉल। उधर तो वो इतना भीड़ होता है, मैं वो जाना छोड़ दिया। मैं उधर कैब से जाना अच्छा रहता है। हाँ हाँ सच्ची में कैब से जाओ, बाहर से छोड़ दो, झंझट कम रहता है। और तीसरा है आईकिया, ये नहीं जाने आता है। ये तीन चार जैसे पड़ी है ना, तो मिरर हुलो जो ना अमेज़न से के ना नहीं है, आईके टाइप का चिक को रास्ते में आईके एकदम बेसी अमेज़न। पार्किंग का जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पार्किंग तो रहता है, रहता है तो B4 तक पार्किंग है, बहुत बड़ा पार्किंग है, वो भी फुल रहता है। पार्किंग में हमको जगह मिल गया था, उसके बाद फर्स्ट हम लोग एकदम ऊपर, दो फ्लोर रहता है ना, एकदम ऊपर वाला फ्लोर से स्टार्ट किए थे। मम्मी पापा को मैं बहुत सारा नट्स दिखा रही थी। एक्चुअली उस जगह पे ना कुछ ज़्यादा दिखने के लिए नहीं है, मतलब ग्रॉसरी है, ग्रॉसरी मतलब तो सेम ही रहता है, वो अलग से कुछ नहीं है। नीचे वाले फ्लोर पे जो फ्रेश फ्लोर मतलब उन लोग बोलते हैं, मतलब फ्रेश चीज़ें जो रहते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स, वही देखने का चीज़ें है, क्योंकि लुलू मॉल में इतना वैरायटी में मिलता है। ये देखो ये सांभर है मिक्स, मतलब वेजिटेबल का, मतलब इसमें करी पत्ता धनिया पत्ता सब है, आप जाके दाल बॉयल करो और ये वेजिटेबल डाल दो बस हो जाएगा। उसके बाद मैंने ना परवल दिखा, हमें इधर परवल मिलता है पर छोटा साइज़ का, इधर पे बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का परवल था, तो थोड़ा सा मैंने परवल ले लिया। मुझे परवल काफ़ी अच्छा लगता है, और देखो फ्रेश भी है, पानी में नहीं है, नॉर्मल हमारे दुकान पे तो पानी में रहता है। फिर मैं मम्मी पापा इन लोगों को बोल रही थी कि आपको क्या पसंद है ले लो, तो मेरी मम्मी ने लिया था आंवला, क्योंकि मम्मी को आंवला अच्छा लगता है, आंवला भी मिलता है पर इधर आए थे ले लिया था। और मम्मी जी बोल रही थी उनको पपाया की सब्ज़ी अच्छा लगता है, तो ट्रेन में जाने के दिन पपाया की सब्ज़ी बना देना, तो मम्मी जी ने अच्छा देख के पपाया लेके आई थी। तो ये वेजिटेबल्स जो है ना अलग से आपको स्टिकर लगानी होती है, फिर वो बिलिंग में जाके बिल होता है। और ग्लॉकू फुलान मस्ती में थी, और इधर पे इतने सारे अलग अलग वेजिटेबल्स, मैं जब भी आती हूँ देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ कुछ वेजिटेबल्स का प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है, 600-800 तक भी रहता है पर केजी, तो वो मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेती हूँ, क्योंकि अगर ख़राब लगेगा तो बहुत ज़्यादा चुभेगा कि इतना प्राइस दे के लिया है और इतना ख़राब निकला है। ये वेजिटेबल्स ना मैंने पहले देखा है फॉरेन में, शायद ये वेजिटेबल ज़्यादा मिलता है। ये थोड़ा सा पम्पकिन जैसा ही है, तो मैं सोच रही थी कि एक बार ले लूँ कि नहीं, अनिमान को पूछा कि लूँ, अनिमान ने बोला ठीक है ले लो पसंद आ रहा है, तो प्राइस उतना ज़्यादा भी नहीं था इसका, तो मैंने ये एक ले लिया। हर बार मैं लुलू में आके ना कुछ अलग अलग सब्ज़ी लेके जाती हूँ, मुझे ना अलग अलग चीज़ ट्राई करना बहुत पसंद है। ये देखो पम्पकिन का भी कितने सारे वैरायटी होता है ना, लुलू में नहीं आता ना पता नहीं चलता। देखो गोलगप्पा देखो आप, इतना सा गोलगप्पा 60 रुपीज़, बट देखो आलू है इसके अंदर, पानी है, गोलगप्पा है, और ये फ्रूट्स देखो एकदम छोटा सा कटहल लग रहा है, पर ये कटहल नहीं है, कुछ अलग ही है। इसके बाद देखा कि हिलसा भी है, तो मैं सोच रही थी कि हिलसा लूँगी क्या, तो अनिमा बोले कि नहीं मम्मी पापा का 2 दिन में ट्रेन है, अभी ये सब मत लो। तो हमने कुछ खाने के लिए लिया था, ये तो हमारे लिए और ये मम्मी जी के लिए, क्योंकि हमारा वो थोड़ा सा स्पाइसी था, मम्मी जी को स्पाइसी नहीं खाना ही अच्छा रहता, पर उनको भी तो मन होता है ना, तो उनके लिए मैंने सबसे कम स्पाइसी वाला, ये एक्चुअली फ्राइड नहीं है, वो चिकन क्रॉसो था, पर चिकन अंदर का स्टफिंग हल्का सा स्पाइसी रहता है, पर ठीक है इससे कम स्पाइसी और कुछ नहीं मिला, तो ये मम्मी जी के लिए लिया था। और हमारे लिए चिकन लॉलीपॉप लिया था और चिकन तंदूरी लिया था। और अच्छी चीज़ ये है कि 250 ग्राम में 4-4 पीस करके आया था, तो मम्मी पापा मैं अनिर्वाण ने खा लिया था, और ग्रोकू को बहुत मन था खाने का, पर ग्रोकू ने जो है ना उसके लिए इसका इधर का आटा की जो रोटी मिलता है वो लिया था, वो खिलाया था उसको, पर मेरे हाथ में इतना तीखा था कि मैंने उसको दिया ही नहीं। उसके बाद मम्मी पापा अनिवान के साथ मैंने उन लोगों का बहुत सारा पिक्चर भी उठा के लिया, ये उनके लिए खास रहता है ना। हो गया हमारा लुलू मॉल का सब कुछ, मम्मी पापा को दिखाना अच्छा लगा है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा शॉपिंग मॉल मतलब बहुत ही कम है ना, देखा चो आगे रखो ছিল কি যেন নাম ছিল
सो अभी कुछ खा के हम लोग शायद मतलब हमने तो कुछ खाया ही है पर डिनर भी शायद बाहर करेंगे, मतलब छोटा मोटा कुछ खाएंगे कि अभी थोड़ा सा पेट तो भरा हुआ है। और ग्लौकू ने उधर पे जो वीट वाला जो रोटी मिलता है, थोड़ा सा खमम रोटी ऐसा कुछ होता है, क्या पता नहीं नाम बताना, वो पूरा खा लिया है ग्लौकू ने। मैंने थोड़ा सा एजेस खाया है, अंदर का पूरा ग्लौकू ने खाया है। अरे बापरे, इधर पे इसने ऐसे जोर से ब्रेक लगाया ना जैसे नीचे गिर जाएगा। और ये केक लिया है, हमारे एक फ्रेंड है जिनके घर में हम कल जाएंगे उनके लिए। एक्चुअली उनका ना बर्थडे हमारे गृह प्रवेश के एक दिन पहले था, ठीक है, तो सारे फ्रेंड्स जो है ना तो हमारे गृह प्रवेश में बिजी हो गए, मतलब उनका बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हुआ, मतलब बर्थडे हमारे लिए ही हुआ। हाँ, तो अनिर्बान और मैंने प्लान किया कि ठीक है, उनका बटर स्कॉच अच्छा लगता है, बटर स्कॉच का एक केक लेके फिर हम लोग जाएंगे कल। उसके लिए इन्विटेशन है दोपहर को, तो इसीलिए बटर स्कॉच इतना मतलब अनयूजुअल कब से होने लगा, मिल ही नहीं रहा था। फिर जाके पहले सोचा था कि हम लोग ऑर्डर कर लेंगे सुबह को फिर लेके जाएंगे, फिर सोचा कि इधर आई है मिल रहा है, और लुलू का सब फ्रेश रहता है, ये तो एक चीज़ है, इसीलिए इधर से ले लिया। आज का ही है। हाँ, पता नहीं सही होगा कि क्या होगा, पर हमने नॉर्मल केक खाया है, ब्राउनी काइंड ऑफ, वो तो अच्छा ही था, है ना। मैं सुबह को ज़्यादा करके पालक दाल बनाया था क्योंकि रात को पता नहीं, स्पेशली मम्मी जी के लिए, क्योंकि बाहर का खाना, तो मम्मी जी को उधर पे बोल रहे थे एग रोल मिल रहा था, तो मम्मी जी बोल रहे थे कि मैं बाहर से एग रोल खाएँ, हम लोग बाहर से एग रोल खाते हैं, उधर पे मैं बोल सकती हूँ कि हरी मिर्च ना दो, पर उधर पे तो ऑप्शन नहीं था। सो अनिर्बान और पापा गए थे एग रोल लेने, तो मम्मी, अनिर्बान, मम्मी जी और पापा चार एग रोल खाएँगे, पर मैं और ग्लॉक खाएँगे दाल रोटी। मेरे बैलकनी की पुदीना इतना अच्छा हुआ है ना, मैं कब से सोच रही थी थोड़ा सा मैं ग्रीन चटनी बनाऊंगी पुदीना धनिया डाल के। मम्मी पापा को भी चटनी बहुत पसंद आते हैं पर वो लोग तीखा नहीं खाते हैं, तो मम्मी को ना मैं बोल के रखी थी, मम्मी एक दिन पहले ही जो है ना पुदीना उठा के रखा था, उसका मैंने वीडियो क्लिप्स लेके रखा था कि आपके साथ शेयर करूँगी, इतना अच्छा लग रहा था पुदीना उठाने में। और क्यों मैंने ग्लौकू को बुलाया दिखाने के लिए कि देखो पुदीना उठा रहे, उसके बाद से ना उसको ऐसा लगा कि सारे चीज़ों के पत्ते उठा सकते हैं, तो बच्चे के सामने ना कभी आप गार्डनिंग में ऐसे पत्ते मत काटो क्योंकि उन लोगों को लगेगा कि सभी पत्ते ऐसे उठा सकते हैं। फिर उसने बहुत सारे पत्ता नॉर्मल पौधों का भी उसने तोड़ दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो अभी मैं ना उसका एक चटनी बना लेती हूँ, बस कुछ नहीं, मैं धनिया डालती हूँ, पुदीना डालती हूँ, थोड़ा सा हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ा सा सॉल्ट, आप इमली या धनिया पत्ता डाल सकते हो, एक टमाटर डाल सकते हो, अनियन डाल सकते हो, जीरा डाल सकते हो, बहुत कुछ आप ऐड कर सकते हो, मैं तो बस ऐसे ही बनाती हूँ। और मैं थोड़ा सा ना लिक्विड लिक्विड में बनाती हूँ, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाती हूँ, तो मेरे पास जो ये अगाडो की न्यूट्री ब्लेंडर है ना इसमें बनाऊंगी आज, इसमें चटनी वगैरह बहुत अच्छे से बनता है। वैसे मेरा दो ही मिक्सी में बहुत अच्छे से बनता है, दो ही अगाड़ो की है, पर इसमें मैं जनरली चटनी वगैरह बनाती हूँ, और कितना स्वादिष्ट बनता है देखो, देख के ना ऐसे मुंह में पानी आ रहा था, मुझे लग रहा था कि एक कटोरी मैं आज रात को यही खा लूँगी और कुछ नहीं खाऊँगी। मेरा और ग्लौकू का खाना, सब लोग खराब खराब खाना खा रहे हैं, मैं और ग्लौकू अच्छा खाऊंगी। नहीं, हमारा वाला अच्छा है। नहीं, हमारा अच्छा है। ग्लौकू कौन सा अच्छा है, हमारा तो भालो अच्छा, तो हमारा ग्लौकू है बोले से हेल्दी हेल्दी नहीं, हेल्दी नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं है, अनहेल्दी है वो प्रॉब्लम है। मतलब मैं भी खाती हूँ पर ठीक है। हाँ, क्वाक्का डाला दीची, यही रोटीटा जो की भालो खाए बोलो बोलो तू बोल पे गोटा रोटी। देखो जो ग्लौकू का इतना चॉइस बढ़ गया है ना, अभी समझना पड़ेगा कि क्या चाह रही है। छेड़ो छेड़ो, हाँ एबार खाओ, विशाल टुकड़ो बेड़िए छे। যেটা থেকে আনো ওটার মতন নয়, তাই তো? আপ লোক একবার দেখো লক্ষু কা খানা, ও ডালে চুপ, ডাল মে ডিপ কর কর কে খা রহি হে। मैं एक भी दिन अच्छे से नहीं खा पाती हूँ ये ग्लौकू नाम के वजह से, और ग्लौकू उसके प्लेट से नहीं खाएगी, मेरे प्लेट से ही खाएगी।
ও বাবা আবার গুনছে কটা রুটি ওরে লাগো ছিঁড়ে ডাল দিয়ে খাও ডাল দিয়ে খাও ছেড়ো প্রথমে ছেড়ো ইস কি করে দিলি রুটিটা আমার ছেড়ো হ্যাঁ এবার ডালে চোবাও ডালে চোবাও ডালে চোবাও ডালে ডিপ করো বাহ 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 দাদুন দালুন দালুন এবার খাও ওটা গরম ডাল ওটা কোনো ঠান্ডা হয়নি এবার খাও ভালো ইস খাবি না চাপ খাবি ডাল খাচ্ছে দেখো দেখো ভালো খাচ্ছে আর ডাল খাচ্ছে দেখো ডাল শেষ দেখো কিরম করে ডাল খাচ্ছে বাবা তে ছেড়ে ছেড়ে ডাল খাচ্ছে খা আমি খেয়ে নিলাম রুটি তাহলে ওরে ভগবান আমি খেয়ে নিচ্ছি লাকু তো দেখতেই পেলেন না পিছনে সবাই এগুলো খাচ্ছে দেখো একটু ডাল দেবো না না মানে হচ্ছে হ্যাঁ চাইছে লাকুকে আগে হাত মে গরম লাগতা না লাকু বলতি ঠান্ডি ঠান্ডি মতলব ঠান্ডা করকে দো বাবা আপনি ডালে দিন মম্মি পে গে হ্যায় জো বলনা হ্যায় উসকা অপোজিট দিন सबने बोला है कि ग्लाको दिखने में अनिर्वाण की तरह पर स्वभाव में मेरे तरफ है है ना ग्लाको डाल दो तो ग्लाको आमी खाबो ना निजे प्लेट तो खाबी ना मैं की कोच ग्लाको रोटी पसंद है छे ग्लाको को रोटी बहुत पसंद है एटुको আমাকে দিয়ে छे ওই বাকিটাও খাবে ডাল নেই আর ওই যে ওটাও দিয়ে छे ডাল কই ডাল 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 কই ডাল নেই ডাল নেই তো বাবা এনে দিচ্ছে ডাল বাবা আর 7 ঘন্টা লাগাবে খুঁজে মুঝে লাগতা হ্যায় মে 2 উইকস হো গিয়া হ্যায় শ্যাম্পু নেহি কিয়া হ্যায় ইতনা খারাপ দিখ রহি হো না এক তো টাইম দুসরা কে ওয়েদার কে ওয়াজে সে ভি নেহি কর পা রহি থি তো চলো ফির তো মেরা তো এসা হামেশা হি হোতা तुम्हारा बाल देखो इतना सा मेरा बाल देखो और ऊपर से मेरा ये जो बेबी हेयर ग्लॉको होने के बाद सब हेयर गिर गया था तो मेरा आधा हेयर इतना तक है और आधा हेयर ऐसे ऐसे है मतलब अगर मैं अनिर्बन के जैसे काटूंगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा सेम सेम हो जाए चलो फिर मिलेंगे बाय टेक केयर गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट